आज हम स्टार्ट करना है 12th चैप्टर, दैट इज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। हम डिसऑर्डर्स इसे स्टार्ट करेंगे। हम इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे या DSM-5 TR में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हमारे पास कुछ अर्सा पहले आया था DSM-5, उसके बाद अब हमारे पास आया है DSM-5 TR। ये पब्लिश हुआ है 18 मार्च 2022 को, मतलब रिसेंटली ये एक मैनुअल जो है हमारे पास आया है 18 मार्च 2022 को इसका एडिशन। अगर हम इसके DSM के टोटल एडिशंस की बात करें तो अब तक इसके 9 एडिशंस आ चुके हैं, लेकिन अगर हम नाम की बात करें तो ये DSM-5 से लगता है कि ये 5th पब्लिकेशन है या 5th वर्जन है DSM का, लेकिन नहीं, ये 9th वर्जन है हमारे DSM का। जो पिछले सारे जितने भी DSM के जितने भी वर्जन्स थे उन सब की डिटेल मैंने रिकॉर्डिंग्स में ऑलरेडी बताई हुई है, यूट्यूब पे वो गिवन है, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। क्योंकि अगर हम उसको डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजिंग्स आई, कौन कौन से मैनुअल कब कब आए, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप इसको वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से इसको आप ज़रूर सुन लीजिएगा कि कौन कौन से मैनुअल्स कौन कौन से साल में आए, उनका क्या क्या नाम था, और फिर DSM-4 TR और DSM-5 इनमें कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे जो DSM-5 TR है इसमें जस्ट टेक्स्ट रिवाइज हुआ है, इसमें कुछ रेफरेंसेस ऐड हुए हैं। इसके अलावा जो डिसऑर्डर्स की कोडिंग थी वो ICD-10 के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसके साथ मैच करती गई है। वो मैं इसको आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि कौन से डिसऑर्डर्स की कोडिंग किस तरह से चेंज हुई है, मतलब कोडिंग कैसे चेंज हुई है। बाकी टेक्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया थोड़ा और क्लियर हो गया है, रेफरेंसेज ऐड हो गए हैं और पूरा थ्रू आउट द टेक्स्ट रिवाइज हुआ है। इसके अलावा कोई डिसऑर्डर्स में सच एज चेंजिंग्स नहीं हुई, वो ऑलरेडी 4 TR और 5 में हमें एक मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, उनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। वो अक्सर पूछा जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंजिंग्स आई हैं DSM-4 से 5 में, क्योंकि बहुत मेजर चेंजिंग्स हैं। दूसरा इसका जो नंबर है ये 5, इसको अब हम 5 वो दूसरे वाला लिखते हैं, अरबिक वाला, रोमन वाला 5 नहीं लिखते जैसे कि हम 4 TR में ये लिख रहे थे, ये 5, दैट इज़ ऑल्सो चेंज, मेजर चेंज इसके नाम में। तो अब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है डिसऑर्डर्स का, इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या है डिसऑर्डर्स की। तो डिसऑर्डर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारा, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा बिहेवियर डिसऑर्डर कब होता है, व्हेन इज बिहेवियर डिसऑर्डर। सो डेफिनेशन ऑफ डिसऑर्डर इज कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट्स, इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, या फिर हम इन 4 कंपोनेंट्स को 4 Ds भी कहते हैं, 4 Ds। नंबर 1 डेवियंट, नंबर 2 डिस्ट्रेस, नंबर 3 डेंजर एंड नंबर 4 डिसफंक्शन। सो क्योंकि ये सारे डी से स्टार्ट होते हैं तो इनको हम कहते हैं 4 Ds। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि हमारा ये जो डिसऑर्डर बिहेवियर होता है ये अनयूजुअल होता है, इसको हम कहते हैं डेवियंट। फर्स्ट डी डेवियंट मतलब कि स्टेटिस्टिकली हमारा जो बिहेवियर होता है वो टिपिकल बिहेवियर होता है। इसमें हमारे पास जो भी हम फंक्शनिंग कर रहे होते हैं ये डेवियंट होती हैं, मतलब वो सारे बिहेवियर जो नॉर्मली अगर हो रहे होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट और हटके होते हैं। सेकेंड डिसऑर्डर बिहेवियर क्या होता है, ये माल अडाप्टिव होता है। माल अडाप्टिव होता है मतलब डिस्ट्रेस होता है। इसमें क्या है, इट इंटरफेयर्स विद द पर्सनस एबिलिटी टू फंक्शन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो पर्सन की ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि वो नॉर्मली वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सके उस सिचुएशन में, तो वो काफ़ी डिस्ट्रेस होती है वो सिचुएशन या एनवायरनमेंट उस पर्सन के लिए। थर्ड हमारे पास क्या होता है, डिसऑर्डर बिहेवियर इज लेबल्ड एज एबनॉर्मल बाय द सोसाइटी इन विच इट अकर्स। मतलब यहाँ पे हम अपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे, सोसाइटी को नहीं देख रहे, सिचुएशन जो है वो हमारी जो भी सोसाइटी है वो उसको एबनॉर्मल लेबल कर देती है हमारे बिहेवियर को, जिसको हम कहते हैं कि इससे हमारे अगर वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है तो उससे हमें खुद को भी खतरा हो सकता है, दूसरों को भी खतरा हो सकता है। सो दैट इज़ द थर्ड डी ऑफ डेंजर। फोर्थ वन इज द डिसऑर्डर बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसेप्चुअल और कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग। इसमें हमारी अपनी परसेप्शन और कॉग्निशन जो है ये डिस्टर्ब होती है, जिसको हम कहते हैं डिसफंक्शन। यहाँ पर अब हम किसी भी सिचुएशन को लेके हमारी जो अपनी थॉट्स हैं वो माल अडाप्टिव हो जाएंगी। सो इन ऑर्डर फॉर बिहेवियर टू बी डिसऑर्डर इट शुड मीट ऑल ऑफ दिस क्राइटेरिया। अगर हम किसी को डिसऑर्डर बिहेवियर कहेंगे कि इस पर्सन का बिहेवियर डिसऑर्डर है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन चारों क्राइटेरियाज को फुलफिल करे। उसके लिए इन्वायरमेंट डिस्टर्बिंग हो, उससे उसकी अपने आप को नुकसान हो, उससे दूसरों को नुकसान हो सकता हो, और वो जो उसका बिहेवियर है वो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये चार चीज़ें हैं, डेवियंट हो, डिस्ट्रेस हो, डेंजर हो और डिसफंक्शनिंग हो, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये पर्सन एबनॉर्मल है। बिहेवियर मस्ट बी कंपेयर्ड विद द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी इन विच इट अकर्स।
जो भी बिहेवियर होते हैं हम उसको सोसाइटी के साथ कंपेयर ज़रूर करते हैं कि जिस सोसाइटी में ये बिहेवियर अगर हो रहा है क्या उस सोसाइटी में ये वाला बिहेवियर जब नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, अगर किया जाता है देन वी विल लेबलाइज दैट, अदरवाइज वी विल नॉट। जैसे कि एग्जांपल है, कुछ कंट्रीज़ में शराब पीना एक बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ का नॉर्म है कि जी वहाँ पे ड्रिंक ली जाती है, जबकि हमारे पाकिस्तान में ड्रिंक लेना हराम समझा जाता है। तो इसी तरह से कुछ बिहेवियर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है म्यूटिलेशन का वर्ड, कि म्यूटिलेशन होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वहाँ की सोसाइटी का एक नॉर्मल पार्ट कंसीडर किया जाता है। जैसे कि टैटूज़ बनवा लेता है जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों पर, खुद को नुकसान पहुँचाना, जिसम पर कट लगा लेना, बॉडी का कोई पार्ट कट लगाना, या वहाँ पर कुछ खुदाई शुदाई कर लेना, वेदर एग्जाम्पल टैटूज़ है बॉडी पर, हम टैटूज़ बनवा लेते हैं। तो कुछ सोसाइटीज़ में ये करना बिल्कुल एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, और कुछ सोसाइटीज़ में अगर इस तरह आप गजनी की तरह जगह जगह टैटूज एंड कट्स बनवा के फिरेंगे, नाम लिखवा के, तो दैट विल बी कंसीडर्ड अब नॉर्मल बिहेवियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि थेरीज क्या कहती हैं साइकोपैथोलॉजी के बारे में। साइकोपैथोलॉजी की डिफरेंट थेरीज हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ी। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग साइको एनालिटिकल स्कूल है, ये हाइपोथेसाइज करता है कि इसमें इंटरेक्शन होती है कॉन्शियस स्पेशली अनकॉन्शियस हमारे माइंड के पार्ट्स की, जो कि डिफरेंट डिसऑर्डर बिहेवियर्स हैं उनसे डील करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे क्या है, द पावर ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स ड्राइव्स बिहेवियर टू प्रोटेक्ट द ईगो, पेनफुल और थ्रेटनिंग इम्पल्सिस आर रिप्रेस्ड इन टू द अनकॉन्शियस। तो हम अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेनफुल और थ्रेटनिंग इम्पल्स को अनकॉन्शियस में रिप्रेस कर देते हैं। और ये सब क्या होता है, ये रिप्रेस हम करते हैं, ये इश्यूज तब राइज होते हैं कब, जब हम चाइल्डहुड की स्टेज में होते हैं। तो अगर हम जनरली बात करें तो इफ़ इंटर साइकिक कंफ्लिक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व, तो जो हमारे साइकिक जो हमारे इंटरनल कंफ्लिक्ट्स होते हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। इससे क्या होता है, अगर वो रिजॉल्व नहीं हो सकते या नहीं किए गए तो फिर हम एबनॉर्मली एक्ट करते हैं, दैट लीड्स टू एक्ट एबनॉर्मली। सो इसमें बिहेवियर फ्रॉइड जो है वो ज़्यादातर माल अडॉप्टिव बिहेवियर की बात करते हैं, कि जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं किसी स्टेज में फिक्सेशन हो जाती है, देन इट लीड्स टू माल अडॉप्टिव बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर। द सेकंड वन इज़ द ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी सजेस्ट करते हैं डिसऑर्डर बिहेवियर्स क्या हैं, ये हमारे लोग जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कि अगर उन पर क्रिटिसिज्म किया जाए या वो कोई ये खुद किसी और के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हों या ये दूसरों के बारे में रॉन्ग जजमेंट्स क्रिएट कर रहे हों, तो ये क्या होता है कि इससे उनकी अपनी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट और उनका सेल्फ कंसेप्ट जो है ये वहाँ पे डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हम अब नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं। So, humanistic school of psychology suggests that disordered behavior is in part a result of school being a result of people being too sensitive to the criticisms and judgments of others. So, this tendency is related to people being unable to accept their own nature. तो इन सब की वजह से जब क्रिटिसिज्म होता है, रॉन्ग जजमेंट होती है, तो वो इन सब की वजह से खुद को क्रिटिसाइज करते हैं अपने ही नेचर को, जिससे उनकी सेल्फ इस्टीम भी लो होती है और उनका सेल्फ कंसेप्ट भी लो होता है। सो इस क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सो दिस में लीड्स टू द एबनॉर्मल बिहेवियर। इसके अलावा अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक व्यू फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन ड्यू टू लैक ऑफ अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड रिसीव्ड एज अ चाइल्ड। तो यहाँ पर भी ह्यूमनिस्टिक कहते हैं कि जब बचपन में उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उनको अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो आइसोलेट हुए और उसकी वजह से वो अब खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। So that is the main reason of abnormal behavior according to the humanistic school of thought. Then the next one is the cognitive perspective. The cognitive perspective views disordered behavior as the result of faulty or illogical thoughts. तो cognitive perspective में क्या होता है, हमारे अपने जो thoughts होते हैं वो illogical होते हैं और faulty होते हैं। Distortions in the cognitive process according to this point of view leads to misperceptions and misinterpretation of the world. कि तो हम perceive भी गलत कर रहे हैं और interpret भी गलत कर रहे हैं wrong world को, जिसमें हमारे पास cognitive distortions आ जाते हैं काफ़ी सारे। So these may lead to disordered behavior. The cognitive approach to treatment involves changing the content of thoughts. तो अगर हम यहाँ पे उनके cognitive thoughts को illogical और faulty thoughts को अगर identify कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम उनकी treatment के लिए जो content use करेंगे उससे basically उनके thoughts और उनका सारी चीज़ों को process करने का जो way है
उसको हम वहाँ पे चेंज करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के बारे में यही कहा जाता है कि इसमें हम जो भी हमारे जो डिसऑर्डर बिहेवियर होते हैं ये लर्न हो जाते हैं। क्या होता है कि जो हमारे डिसऑर्डर बिहेवियर होते हैं कुछ पॉइंट्स पर हम यहाँ वहाँ पर उनको रिवॉर्ड कर देते हैं या री इन्फोर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बिहेवियर के पैटर्न परमानेंटली इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर बिहेवियर शो होते हैं। दैट मीन्स बिहेवियर लर्न होता है थ्रू रिवॉर्ड्स और री इन्फोर्समेंट। अगर हम इनमें यहाँ पर अगर हमें बिहेवियरल अप्रोच या इस तरह की कंडीशन हमें मिलती हैं कि ये कंडीशन हुए हैं या लर्न हुआ है इनका ये बिहेवियर, तो वहाँ पे हम उनकी उस लर्निंग को अनलर्न करेंगे, उनके मॉडल अडॉप्टिव बिहेवियर्स को चेंज करेंगे, उनके लर्न प्रोसेसेस को हम मॉडिफाई करेंगे कि उन्हें आप डिफरेंट स्टिमुलाई को लेके किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बायोलॉजिकल व्यूज का कहना है कि जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे बिहेवियर के, ये हमारे ब्रेन केमिस्ट्री, ब्रेन स्ट्रक्चर और ब्रेन फंक्शन या फिर केमिकल अबनॉर्मेलिटीज जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स और हॉर्मोन्स आ जाते हैं, उनमें चेंजिंग्स की वजह से, मतलब ये सब ब्रेन में चेंज होता है जिसकी वजह से अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। सो इस तरह अगर हमारे पास जो डिसऑर्डर बिहेवियर हैं, अगर हम उनकी ट्रीटमेंट करना चाहें तो हम उसमें मेडिसिन के थ्रू उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। और इस तरह के डिसऑर्डर बिहेवियर्स में मेडिकेशन जो प्रोवाइड की जाती है उसमें भी काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है कि हम डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर बिहेवियर्स को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कौन सी मेडिकेशन के थ्रू। अगर हम सोशियो कल्चरल अप्रोच की बात करें, लास्ट वन सिक्स्थ अप्रोच इज द सोशियो कल्चरल अप्रोच। इसमें क्या कहता है कि इसमें हमारी जो सोसाइटी है या कल्चर होता है ये हमारे बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं कि वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सो सोशियो कल्चरल अप्रोच होल्ड्स दैट सोशल इल्स सच एज रेसिज्म, सेक्सिज्म एंड पॉवर्टी लाई एट द हार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किसकी वजह से हो सकता है? रेसिज्म की वजह से, सेक्सिज्म की वजह से या फिर पॉवर्टी की वजह से। ये मेजर तीन चीज़ें हैं जो कि सोशियो कल्चरल अप्रोच के थ्रू किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के हार्ट में लाई करती हैं, उसका सेंटर पॉइंट है। अब ये क्या है? ये तो हैं जी कॉमनलिटीज जो हमारी डिफरेंट थेरीज में या साइकोपैथोलॉजी में हमें देखने में मिलती हैं, जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जितने भी पर्सपेक्टिव से वो बिलोंग करते हैं। वे रियलाइज दैट डिसऑर्डर्स हैव मल्टीपल काजेज, कि जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके मल्टीपल काजेज हो सकते हैं, किसी एक अप्रोच को लेके हम नहीं चल सकते। हो सकता है उसके अंदर बायोलॉजिकल इश्यूज हों, हो सकता है उसकी अडॉप्टिव फंक्शनिंग, अडॉप्टिव फंक्शनिंग क्या होती है, हमने सोशली किस तरह से फंक्शन करना है जो एक्सेप्टेबल होता है वो अडॉप्टिव फंक्शनिंग, कि वो डिस्टर्ब होती है, या फिर उसका अपना इंटेलेक्चुअल लेवल डिस्टर्ब है, या फिर अनकॉन्शियस ट्रामा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स इस चीज़ के पीछे हो सकते हैं, और यही मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं ये किसी भी पर्सन को वल्नरेबल बनाते हैं किसी भी डिसऑर्डर के लिए। अब इसमें हमारे पास फोर पीज आते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी प्रीडिस्पोजिंग, सेकंड वन पे आपको नज़र आ रहा है प्रेसिपिटेटिंग काजेस, कि ये काजेस जो हैं ये किस किस तरह की हो सकती हैं। प्रीडिस्पोजिंग काजेस, प्रेसिपिटेटिंग काजेस, इसके अलावा हमारे पास होती हैं प्रेसिपिटेटिंग काजेस के बाद हैं जी परपिचुएटिंग काजेस, परपिचुएटिंग काजेस, और फोर्थ वन होती है हमारे पास प्रोटेक्टिव या फिर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। तो ये हमारे पास चार तरह की काजेज हैं या फैक्टर्स हैं, जिसमें है प्रीडिस्पोजिंग, प्रेसिपिटेटिंग, थर्ड वन इज परपिचुएटिंग एंड फोर्थ वन इज प्रोटेक्टिव या फिर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। तो ये क्या है हमारे पास? चार फोर पीज हैं किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमें इन चारों को आइडेंटिफाई करना होता है क्योंकि इनके बगैर हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, और अगर हम ट्रीटमेंट कर भी लेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। अब जरा इन फोर पीज को देख लेते हैं कि ये कौन कौन से फोर पीज हैं। सबसे पहले हैं जी प्रीडिस्पोजिंग काजेज हो सकते हैं या फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी अबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे। इसका मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है जिसमें हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारे जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि किसी भी डिसऑर्डर के सामने आने से पहले लोगों को उनसे गुजरना पड़ता है। मतलब अभी वो डिसऑर्डर हुआ नहीं है उनका बिहेवियर, लेकिन उनके इन्वायरमेंट में या उनका जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऐसा है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर स्टार्ट होता है। इसके मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा वल्नरेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है टू डिवेल्प अ पार्टिकुलर इलनेस। अब इसमें हमारा रोल होता है जेनेटिक्स का, हमारे टेम्परामेंट्स होते हैं, जेनेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसिस हो सकते हैं या फिर ट्रॉमा हो सकते हैं। अब ये क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें जो है हम फैमिली को बताते हैं कि ये जो भी ये प्रीडिस्पोजिंग काजेस, जानने का मकसद ये होता है कि आपकी फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके एनवायरनमेंट कैसा है घर का, ठीक है, बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से, जिसके बाद इनका ये बिहेवियर हुआ है, मतलब पहले बिल्कुल ठीक थे,
अबनॉर्मल बिहेवियर होने से पहले क्या था, वो सारी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना इज द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स या प्रीडिस्पोजिंग काजेस। अब वहाँ पे हम ये डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज करने के बाद हम फैमिली को बताते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम हुई है इसमें ना तो फैमिली का कोई रोल है, ना तो फैमिली ने मतलब ये मेंटल इलनेस पेशेंट के लिए चूज़ नहीं की, और ना ही इसमें पेरेंट्स का कोई रोल है कि उनकी वजह से ये वाला इफेक्ट या मेंटल इलनेस सामने आई है। ये बताने से क्या होता है, इट विल हेल्प द इंडिविजुअल एंड देयर फैमिलीज इन एलिविएटिंग द गिल्ट। अब इसमें जो फैमिली को या उस इंडिविजुअल को गिल्ट फील हो रहा है, शेम फील हो रहा है, कोई खुद को या दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, या कोई स्टिग्मा है सराउंडिंग में मेंटल इलनेस की सराउंडिंग में, तो अब ये उसको एलिविएट करने में ये फैक्टर्स थोड़ा हेल्प आउट करते हैं कि ये जो हुआ है ये जेनेटिक्स है, इनके टेम्परामेंट्स की वजह से है, या फिर उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। इसमें ना तो पर्सन ने खुद अपने लिए उसको सिलेक्ट किया है, ना ही पेरेंट्स ने उसके लिए इस इलनेस को सिलेक्ट किया है। तो अब इससे क्या होगा कि अब इन पेशेंट्स में और उनकी फैमिलीज में ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी टू डिवोट द रिकवरी, कि वो अब अच्छे से रिकवर कर सकेंगे जब वो इस गिल्ट से निकल आएंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर दैट विच वी कॉल प्री डिस्पोजिंग काजेज। नेक्स्ट वन इज द प्रेसिपिटेटिंग काजेज या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। याद रखिएगा कि ये फोर पीस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि फोर डीज क्या हैं, फोर पीस क्या हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे इसकी फोर पीस का पूछा जाए तो आपने जस्ट नाम बता के खामोश नहीं हो जाना है, उसको पहले उनको डिफाइन करना है, फिर उनकी एग्जांपल्स देनी है, और के सामने वाला आपसे कहे भाई कहे कि भाई बस कर जाओ, अब हमें अगला क्वेश्चन पूछने दो। सो इस तरह से आपने इनको एक्सप्लेन करना है अगर पूछ लिया जाता है तो। फिर है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ये क्या होते हैं कि ये कोई ऐसा उस सारे इन्वायरमेंट में कोई ऐसा इवेंट होता है जो उस डिसऑर्डर को ट्रिगर कर देता है, ठीक है। जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस है, जैसे हमें पता है कि हमें गुस्सा है लेकिन हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल ऐसा है, जीन्स भी हमें आ रही है एंगर वाली, लेकिन हमें पता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट वो बड़ा कूल एंड काम है, हमें कभी गुस्सा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अचानक से कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि आप एग्रेसिव हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, मार पिटाई शुरू हो जाती है, सो वहाँ पर अब फिर पता लगता है कि ये जी जीन्स में आया है, इनके अब औजदाद में भी ये चीज़ मौजूद थी। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा इवेंट होता है जो उस मेकअप जेनेटिक मेकअप को ट्रिगर कर देता है। सो प्रेसिपिटेटिंग काज है ये। अब इसमें क्या होते हैं कि ये सिर्फ इवेंट्स नहीं होते, कुछ सर्कमस्टांसिस भी होते हैं विच इमीडिएटली प्रीसीड, जो अचानक से प्रीसीड करते हैं और उससे एक डिसऑर्डर जो है वो डिवेलप हो जाता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स लें, अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है या किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाती है, तो फिर इसे क्या होगा कि ये प्रेसिपिटेट होगा फॉर द ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अगर हम डिप्रेशन में देखें तो उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को देखें, ये ब्रेकअप होगा या किसी लव्ड वन की डेथ होगी या लाइक दैट। नेक्स्ट पेज पे आपको नहीं मिलेगा, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसके दूसरी एग्जांपल लें, तो अगर हमारी एनर्जी इंबैलेंस हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम कैलोरीज जो हैं वो बहुत कम कंज्यूम करते हैं, तो इससे क्या होगा, एनोरेक्सिया नर्वोजा या बुलिमिया नर्वोजा जो हमने लास्ट भी पढ़े थे चैप्टर्स में, तो इस तरह के डिसऑर्डर जो हैं वो सामने आएंगे, मतलब हम एनर्जी का इंबैलेंस है हमारी बॉडी में। थर्ड अगर हम एग्जांपल लें, तो हमारे पास कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं फाइनल एग्जाम्स में, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमें जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है एग्जाम की एंग्जाइटी या वो जो सिचुएशन है एग्जाम को लेके वो क्रिएट हुई है, तो इससे क्या होगा, इट विल डिवेलप द डिसऑर्डर ऑफ एंग्जाइटी। अब जस्ट एक दफ़ा होने से ये सब कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेंटेन होती हैं, जो इवेंट हुआ है ट्रिगर हुआ है अब वो मेंटेन रहेगा, और इस मेंटेनिंग काज को हम कहते हैं हमारा थर्ड पी। थर्ड पी क्या है हमारे पास, परपेचुएटिंग फैक्टर। परपेचुएटिंग फैक्टर होता है कि अगर ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, एग्जाम्स को लेके किसी चीज़ को लेके एंग्जाइटी बार बार होती रहेगी, तो फिर वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है कि उसका ऑनसेट क्या है, कितना ड्यूरेशन हो गया है इस सिचुएशन में रहते हुए, तो वो सारे क्या है, मेंटेनिंग काजेज हैं। तो कुछ काजेज हैं, रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये मेंटेन है, कंटिन्यू हो गई है ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है इसको आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, किसको पता है,
इसमें जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ताकि ये वाला जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये हमें बार बार इस इन्वायरमेंट या उस सिचुएशन में वो हमें ट्रिगर कर सकते हैं, तो नेक्स्ट जब हम ट्रीटमेंट करते हैं इसको आइडेंटिफाई इसलिए किया जाता है ताकि उन इवेंट्स पे वर्किंग की जा सके, कि या तो उन इवेंट्स को आपने इग्नोर करना है या फिर अगर इग्नोर नहीं कर सकते तो उसको हैंडल कैसे करना है। और इसमें हेल्प करते हैं सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, उसकी अपनी फैमिलीज, उसकी अपना जो भी सपोर्ट मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे उसको हेल्प आउट करते हैं कि वो रिलैप्स ना हो और उसकी रिकवरी लॉन्ग टर्म रहे। इसलिए हमें परपेचुएटिंग फैक्टर्स भी मालूम करने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिटन नहीं है लेकिन फोर्थ परपेचुएटिंग फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए कि ये हैं कि जिसमें हमारे जो इवेंट्स होते हैं या सर्कमस्टांसेस होते हैं वो हमारी इलनेस को एक मोशन में कंटिन्यू रखते हैं, और ये जो हमारी सिम्टम्स होती हैं वो कंटिन्यू रहती हैं और बार बार अकर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके जो मेंटेनिंग काजेज हैं या फिर जिसको हम परपेचुएटिंग काजेज या फैक्टर्स कहते हैं, परपेचुएटिंग के फैक्टर हैं PERPETUATING, परपेचुएटिंग फैक्टर्स। अब इसके एग्जांपल्स हम दें तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल पहले हमने कहा कि हमने खाना नहीं खाया या हम लो कैलोरीज ले रहे हैं, तो अब हम क्या है कि कॉन्टीन्यूसली माल न्यूट्रिशन है और वेट सप्रेशन है, एक्सेसिव एक्सरसाइज है, तो फिर क्या हो गया कि हमारा ये बींग पर बिहेवियर है ये क्या है, परपेचुएट एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, कि ये जो हमारा बिहेवियर है अब इस बिहेवियर की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर डिवेल्प हो जाएगा। फिर हमारे पास इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है वो बड़ा हाई रिगरस है, सोशल एक्सक्लूजन है, बुलिंग है, फिर इलाइट या एथलेटिक ट्रेनिंग है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है जो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं एग्जॉस्टेड है, तो इससे भी क्या होगा एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगी पर्सन में कॉन्टीन्यूसली, आपको ये कॉन्टीन्यूसली ये सारे स्ट्रेसर्स आपके इन्वायरमेंट से मिल रहे होते हैं। अब हमारे पास जितनी भी एंग्जाइटी की फॉर्म्स हैं दीज ऑल आर परपेचुएटेड बाय हाइटेंड फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड अवॉइडेंस। अब ये जितनी भी एंग्जाइटी होती है इसमें आपका जो फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसमें अवॉइडेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है कि बस हम इस सिचुएशन में नहीं जाएंगे, अगर चले गए तो शायद मर जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह की एंग्जाइटी। फिर इसके अलावा हमारे जो इररेगुलर स्लीप शेड्यूल्स होते हैं जिसकी मुजम्मिल बार बार बात करते हैं कि ये इररेगुलर हेडेक रहना, तो ये हमारे पास इररेगुलर स्लीप शेड्यूल्स होते हैं, या फिर सोशल आइसोलेशन होती है, या फिर मैरिजुआना या कोई भी एडिक्टिव प्रोडक्ट उसका हैबिचुअल यूज़, तो ये सारे क्या हैं, ये कॉमन परपेचुएटिंग फैक्टर्स हैं डिप्रेशन के। इसी तरह से हमारे जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स पैटर्न्स हैं ये भी मेंटल इलनेस को परपेचुएट करते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करना, मेंटेनिंग काजेज को आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट इज़ फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मॉडिफाइंग परपेचुएटिंग फैक्टर्स। हमने क्या करना होता है, ये जो परपेचुएटिंग फैक्टर्स हैं हमने इनको आइडेंटिफाई करना है और इनको मॉडिफाई भी करना है, क्योंकि बिकॉज दीज आर मॉडिफाइबल एंड कैन बी चेंज थ्रू कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस, क्योंकि ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉग्निटिव या बिहेवियरल, या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल इनका जो मिक्स है इंटरवेंशंस का उनको यूज़ करके हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये कब कब वर्क करेंगे, इट विल वर्क आफ्टर बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो सबसे पहले तो उनकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है सबसे पहले हम उसको रिस्टोर करेंगे। अगर खाना नहीं खाया, स्लीप डिप्रिवेशन हुई है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनकी जो है एलिवेशन हुई है या वो डिक्रीज हुए हैं आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को नरिश किया जाए। जब बॉडी नरिश होगी तो फिर ही ये हमारी जो इंटरवेंशन हैं ये वर्क करेंगी। जो माल नरिश्ड ब्रेन होता है उसको हम साइकोथेरेपी के थ्रू उसको ठीक नहीं कर सकते। सो ब्रेन इज माल नरिश्ड बाय स्टार्वेशन और स्लीप डेप्रिवेशन, तो हमारा ब्रेन जो है वो माल नरिश्ड इसी वजह से होता है जब बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूस स्टार्वेशन रहती है, या मतलब खाना नहीं खा रहे, भूखे रह रहे हैं बहुत देर तक, कैलोरीज नहीं ली और हमने नींद भी पूरी नहीं की, तो उसकी वजह से माल नरिश्ड हमारी बॉडी हो जाती है और हमें उसको पहले नरिश करना है मेडिकेशन के थ्रू, फिर हम हमारी जो थेरेपीज हैं वो काम करेंगी। चौथा फैक्टर होता है जी हमारे पास प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम डिटरमाइन करें कि कौन सी थेरेपी हम अप्लाई करेंगे तो उसके अच्छे और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम अर्ली जो भी नॉर्मल बिहेवियर हमारे सामने आए उसको बहुत अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए, उसके पेरेंट्स उसको टाइमली हॉस्पिटल ले जाएँ, और उसके बाद हम इंटरवेंशंस अप्लाई करें
उसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें एक दफ़ा कि ये बेसिकली हुआ किस वजह से है, तो वो बहुत अर्ली आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम इन सबको सेकंड पे आता है कि हमारे पास एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ये कि जो दिल किया लगा दी आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि ये वाली ट्रीटमेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और हम फुल रिकवरी को ऑलमोस्ट अचीव कर सकते हैं और उससे इलनेस भी इंक्रीज नहीं होगी। सो ऐसी थेरेपी अप्लाई करनी है जो परफेक्टली इस पर वर्क करें। अगर हम इस जो भी ट्रीटमेंट अगर हम अप्लाई कर रहे होते हैं अगर इसको प्रीमेच्योरली इस ट्रीटमेंट को हम ड्रॉप आउट कर दें तो इससे फुल रिकवरी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसलिए हम उनको मोस्टली कहते हैं कि आपने फॉलो अप जरूर करना है। फिर इस तरह से हमारे पास जो फैमिली है फ्रेंड्स हैं उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इससे भी हमारी जो रिकवरी के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर हमारे पास जितना भी ऑप्टिमल बॉडी वेट है फॉर एग्जांपल अगर हमें उसको मेंटेन करना है ओवर टाइम तो हम क्या करेंगे वहाँ पे ड्रामेटिकली इम्प्रूवमेंट लाएंगे क्योंकि हमने वहाँ पे उसके प्रोग्नोसिस जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा की वो हमने आइडेंटिफाई कर ली हुई है। रिलैप्स प्रिवेंशन है कि रिलैप्स ना हो उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे बाकायदा ताकि उनके लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस को हम इम्प्रूव कर सकें। फिर प्रैक्टिसिंग जो है उसको हम उनको कहेंगे बार बार कि आपने इसको कंटिन्यू रखना है, कांस्टेंट रखना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है, हैबिट डेवलप करनी है, आपकी एक अच्छी स्लीप होनी चाहिए, आपकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और अपना न्यूट्रिशन जो है उसको बैलेंस रखेंगे, इससे क्या होगा कि इट विल इम्प्रूव द प्रोग्नोसिस फॉर मोस्ट इलनेस। तो ये बहुत सारी इलनेसेस होती हैं जो इस तरह के प्रोग्नोसिस फैक्टर्स उनको फॉलोअप के लिए अगर हम दे दें तो वो ऑलमोस्ट रिकवर हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम पेशेंट के साथ उसकी स्वयं फैमिली के साथ हम शेयर करें ताकि जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है और जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो इकट्ठे मिल के काम करें, तब भी हमारी जो ट्रीटमेंट होती है उसका एक बेस्ट आउटकम और उसका बेस्ट रिजल्ट हमारे सामने आता है। अब ये जितने भी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए इनकी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि इनकी आउटकम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन इसका ये ज़रूर होता है कि अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो इससे लॉन्ग टर्म रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और रिलैप्स जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। ये हैं हमारे पास 4 P's जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। हमने काजेस पढ़ी ऊपर की डिफरेंट थेरेपीज हैं, डिफरेंट थेरीज किस तरह से डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी क्या क्या काजेस हो सकती हैं, एक दफ़ा उसको गो थ्रू करते हैं। साइको एनालिटिक कहती है कि इसमें नेगेटिव या अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बिटवीन सुपर ईगो एंड इट। उसके बाद ह्यूमनिस्टी कहती है जी इसमें लो सेल्फ एस्टीम या फिर नेगेटिव सेल्फ रिगार्ड या फिर लो सेल्फ कंसेप्ट हो सकता है जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। कॉग्निटिव कहती है जी माल अडॉप्टिव थॉट प्रोसेस होता है। बिहेवियर कहता है रीइंफोर्समेंट होती है डिप्रेसिव बिहेवियर की। बायोलॉजिकल कहते हैं कि जी न्यूरॉन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है। और सोशियो कल्चरल कहते हैं ये कल्चरल या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल बिहेवियर्स जो हैं वो अकर होते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी डायग्नोसिस ऑफ साइकोपैथोलॉजी। जो हमारे पास साइकोपैथोलॉजी है इसको डायग्नोस किस तरह से किया जाता है। डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 इज द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन हैंडबुक फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि DSM क्या है तो हम सिंपली कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये कह के हम चुप कर जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन भी करते हैं हम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चा पढ़ के आया इसको सब पता है। जैसे हमें पूछ लिया जाता है जी पर्सनैलिटी के कितने क्लस्टर्स हैं तो हम कह देते हैं क्लस्टर ए है, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। तो उसने तो पूछा ही इतना, अब उसको फर्दर एक्सप्लेन करें ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करें उसके साथ एग्जांपल्स दें, तो फिर आपका जो इंटरव्यूअर है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो जब भी आप ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ये नॉर्मल वाले इश्यूज DSM से रिलेटेड। अब क्या है DSM फाइल्स कॉल्स फॉर द सेपरेट नोटेशन फॉर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज इन एडिशन टू द डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें हमें बताए हुए हैं कि सोशल फैक्टर्स हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, उसकी अपनी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, उसका ऑनसेट क्या है, एज ड्यूरेशन क्या है वो, और ये कितने ड्यूरेशन से है ये सब, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाती हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि जो भी डिसऑर्डर है ये किस कैटेगरी में लाई करता है और कौन सा स्पेसिफिक डिसऑर्डर है इस पर्सन को, हम उसको क्लासीफाई बहुत ईजिली कर सकते हैं अगर हमें ये सब पता है। अब हमारे पास मेजर कैटेगरीज हैं जो हम यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास
न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब ये डिसऑर्डर्स क्योंकि हम फुली तो रिकवर नहीं कर सकते, टाइम इज शॉर्ट, तो अब नॉर्मल या DSM को पढ़ने के लिए भी हमें 2 से 6 months चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल ओवरव्यू दूंगी, आपने इसको साथ साथ रीड करने की कोशिश करनी है DSM-5 से। सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके क्राइटेरियाज़ को एक दफ़ा पढ़ना है और ये देखना है कि कितने परसेंट ये डिसऑर्डर जो है वो करंटली हमारी सोसाइटी में है। अगर 100% 100 लोग हैं, 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, तो उनमें से कितने फीसद लोगों को ये डिसऑर्डर होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं जी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये क्या है। न्यूरो डेवलपमेंटल रेफर्स टू द डेवलपिंग ब्रेन। न्यूरो डेवलपमेंट के क्या है कि हमारा ब्रेन की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। अभी इसमें जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये अर्ली इन द डेवलपमेंट, जो हमारे अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है ये वहाँ पे ये डिसऑर्डर्स मैनिफेस्ट होते हैं, और इसमें मे बी ड्यू टू जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, वॉम में ट्रामा की वजह से हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ। मतलब अगर ये सारी जितनी भी हमारे पास ब्रेन इश्यूज़ को ब्रेन डैमेज से लेके जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं या फिर ब्रेन डैमेज फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ में अगर होता है तो उसकी वजह से भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब अगर हम इसकी रेंज देखें तो दीज डिसऑर्डर्स कैन रेंज फ्रॉम वेरी स्पेसिफिक लर्निंग डेफिसिट्स टू वेरी ग्लोबल इम्पेयरमेंट्स टू सोशल स्किल्स और इंटेलिजेंस। बहुत हमें छोटे होते अगर देखें तो बहुत ही स्पेसिफिक सी हमें लर्निंग डेफिसिट्स नज़र आते हैं, लेकिन ये आगे चल के ग्लोबली इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं सोशल स्किल्स की, या फिर हमारी इंटेलिजेंस जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं होती, हम दुनिया के साथ नहीं चल पाते। सो ये हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले आपको DSM-5 में एक दफ़ा इसको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से हैं हमारे पास। DSM-5-TR जिसमें टेक्स्ट रिवाइज की बात करें, इसमें हमारे पास ये डिफरेंट क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर में कौन कौन से फर्दर डिसऑर्डर्स मौजूद हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये आगे पेज नंबर लिखा हुआ है, अगर आप इसको सॉफ्ट में ओपन करेंगे तो 35 पे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में क्या क्या हमने बताया हुआ है, उसके बाद इसमें है क्या। अब इसमें जो चेंजिंग्स हुई है, ये जो आपको ये साइड पे कोड नज़र आ रहे हैं ये वाले F70, F71, F72 ये ICD-10 के कोड्स हैं। मतलब हमने DSM को ICD के साथ देखा है, अगर हम ICD-10 को खोलेंगे तो वहाँ पर हम F88 को खोलेंगे तो वहाँ पे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले आपको मिल जाएगा, फिर F70 खोलेंगे तो आपको ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माइल्ड कौन सी है वो पता लग जाएगा। अब इसमें चेंज क्या हुआ है कि ये जो आपको 2 lines ऐसे नज़र आ रही हैं DSM-5 में, इससे पहले 319 ICD-9 के स्कोर्स भी लिखे हुए थे, तो 319 को अब यहाँ से रिमूव कर दिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले को देखें तो यहाँ पे DSM-4 में इससे पहले ICD-9 का कोड लिखा हुआ था जैसे 315.8, उसको रिमूव कर दिया। फिर इसी तरह जो नीचे वाला है F79, इससे पहले ICD-9 का कोड था 319। तो ये सारे इस तरह पूरे ही कोडिंग ICD-9 और 10 की एक साथ चल रही थी, तो 9 को हटा दिया और जस्ट ICD-10 के साथ अब इसको कंसीडर कर रहे हैं। पहले हम 9 भी देखते थे और 10 भी देख रहे थे, तो ये थोड़ी सी इसमें चेंजिंग्स आई है टेक्स्ट रिवीजन में। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में देखें तो हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड हैं, और इसके बाद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपके पास लैंग्वेज डिसऑर्डर है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर है, इसमें स्टटरिंग है मतलब फ्लुएंसी नहीं है बोलने की, और फिर सोशल या प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हैं, ये आ जाते हैं जी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में जिसमें हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सही से फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे, दैट इज़ कॉल्ड स्टटरिंग। देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हमारे पास ऑटिज्म में है, इसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये ऑटिज्म बेसिकली किस वजह से है, उसकी करंट सेवेरिटी क्या है। ठीक है, हम इसको देखेंगे कि ये जो भी है इसमें क्या कोई इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है या फिर नहीं है, या फिर इसमें कोई लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है या फिर नहीं है, तो ये स्पेसिफाई इफ में आता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में जस्ट आपने उसके सिम्टम्स नहीं देख लेनी, उसमें ये भी करना है स्पेसिफाई करना है उसको कि ये किसकी वजह से, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इम्पेयरमेंट की वजह से है या नहीं, क्या इसमें लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है या नहीं, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर बतानी है कि ये है या नहीं है। फिर आपने ये भी बताना है कि ये जो भी है क्या इसमें कोई जेनेटिक या कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे को ये डिसऑर्डर हुआ है, तो ये स्पेसिफाई इफ वाली जो चीज़ें हैं ये बतानी होती हैं, स्पेसिफाई करना होता है कि ये डिसऑर्डर बेसिकली किस वजह से है ताकि उसी के अकॉर्डिंग उसको डील किया जा सके।
देन द थर्ड वन है हमारे पास ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें भी हमारे पास क्या है कि हमने स्पेसिफाई करना है इन पार्शियल रिमिशन है और उसकी करंट सिवेरिटी देखनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ज़्यादा स्पेयर है या फिर कोई और रीज़न है। अगर कोई और रीज़न आपके सामने आती है तो वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई वेदर में आपने उसको लिख देना है। इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स में हमारे पास क्या है कि रीडिंग इम्पेयरमेंट्स हैं, रिटन एक्सप्रेशंस की इम्पेयरमेंट्स हैं या फिर उनमें मैथमेटिक्स इम्पेयरमेंट्स आपको देखने में मिलती हैं। सो अब रीडिंग में क्या होगा कि रीडिंग में वो वर्ड को एक्यूरेटली रीड नहीं कर पाते, फ्लुएंट नहीं होंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छी नहीं होगी या फिर अगर रीड कर भी रहे हैं तो उस रिटन जो एक्सप्रेशन है रीडिंग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आएगी, लफ्ज़ ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे। फिर रिटन में क्या होता है कि वो स्पेलिंग एक्यूरेसी नहीं होगी, ग्रामर पंक्चुएशन एक्यूरेटली नहीं होंगे, रिटन ऑर्गेनाइजेशन क्लियर नहीं होगी, रिटन एक्सप्रेशन अच्छी नहीं होगी, वो लफ्ज़ को उल्टा लिख देंगे तो सीधे के बजाय उल्टा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के इनके रिटन एक्सप्रेशन होते हैं। और अगर हम मैथ्स में देखें तो इनको नंबर्स की सेंस नहीं होती है, अरिथमेटिक फैक्ट्स को मेमोराइज नहीं कर पाते, फिर इनके इसके अलावा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और फ्लुएंट नहीं होती और जो मैथ की रीजनिंग्स होती हैं वो भी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स में। देन नेक्स्ट वन इज़ द मोटर डिसऑर्डर्स। मोटर डिसऑर्डर्स में हमें पता है कि यहाँ पे मोटर की बात है, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड कुछ है, तो यहाँ पे क्या है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है। तो अगर आप चल रहे हैं तो आप सही से चल नहीं पा रहे, फिर इसमें स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, इसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि क्या सेल्फ इंजरीज बिहेवियर है इसमें या फिर नहीं है। फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई जेनेटिक या मेडिकल कंडीशन है या कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये मोटर डिसऑर्डर हो रहा है। फिर हम इसकी सिवेरिटी बताएंगे, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सिवेयर है। इससे रिलेटेड जो स्केल्स हैं ना आइडेंटिफाई करने के DSM के लास्ट में दिए हुए, जिससे हमें पता लगता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम इनको नंबर देते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवेयर है। फिर आते हैं हमारे पास टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर में क्या है, टरेट डिसऑर्डर है। फिर है हमारे पास कि ये जो टिक डिसऑर्डर है ये मोटर है या वोकल है। दो तरह के टिक्स होते हैं, मोटर होते हैं या फिर वोकल। फिर हमने स्पेसिफाई करना है कि पहले तो हमने देखना है क्रोनिक कंडीशन मोटर है या वोकल है। अब हम देखना है कि मोटर वोकल दोनों हैं, अगर दोनों नहीं हैं तो फिर हमने देखना है कि जस्ट मोटर टिक्स हैं या जस्ट वोकल टिक्स हैं। मोटर टिक्स का मतलब ये है कि आपके बॉडी का कोई पार्ट जहाँ पे आप मूव कर रहे हैं और वो सही से मूव नहीं कर पा रहा, वहाँ पे बार बार टिक्स हो रही हैं, बार बार मूवमेंट हो रही है, कंटिन्यूस मूवमेंट है, पानी पी रहे हैं तो आपका हाथ जो है वो मुसलसल उसमें टिकिंग है तो आप पानी नहीं पी पा रहे, तो ये क्या है, मोटर टिक्स हैं। वोकल टिक्स क्या होते हैं कि आप बोल रहे हैं और आप किसी एक लफ्ज़ पे अड़ जाते हैं और वहाँ से आगे बोल नहीं पाते, दैट इज़ द वोकल टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हम बताते हैं कि किसी और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये कंडीशन हुई है या फिर कोई और रीज़न है इसके पीछे। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि यहाँ पर अगर आप DSM के क्राइटेरियाज को जब पढ़ेंगे तो हमें मोस्टली इसके क्राइटेरियाज याद नहीं होते, हम समझते नहीं हैं इसलिए हमें याद भी नहीं होते। अब आपने इनके क्राइटेरियाज को याद कैसे करना है, मैं ज़रा आपको एक दफ़ा वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 37 पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, पेज 37, तो ये आपके पास आ गया इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आप यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पे ये आपको क्राइटेरिया ए नज़र आएगा, क्राइटेरिया बी नज़र आएगा, क्राइटेरिया सी नज़र आएगा, ये तो पहला है। इसी तरह अगर आप आगे देखेंगे तो आपको डी और ई भी मिल सकते हैं। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में यहाँ पे देखें, जो हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए है इसमें आपको क्या बताया हुआ है, इसमें आपको आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बताई हुई है कि आप एज एन इंडिविजुअल किस तरह से वर्क कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं। क्राइटेरिया बी में आपको अडॉप्टिव फंक्शनिंग देखने में मिलेगी, आप थ्रू आउट जितने भी इस डेवलपमेंट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में जितने भी अभी तक मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए डिसऑर्डर्स बताए उन सब के अंदर जो क्राइटेरियाज हैं आपको स्पेसिफिक यही चीज़ मिलेगी। क्राइटेरिया ए में उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, क्राइटेरिया बी में उनकी अडॉप्टिव फंक्शनिंग है, क्राइटेरिया सी में उनका इन ऑनसेट है इंटेलेक्चुअल और अडॉप्टिव डेफिसिट्स का, मतलब कि ये होता कब है, ये डिसऑर्डर कब होता है, ऑनसेट ड्यूरेशन क्या है। तो ये क्या है, ये जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं इसमें ड्यूरेशन नहीं है कि इस टाइम में दो हफ्ते से पिछले एक महीने से आप ये फेस कर रहे हैं, पिछले दो हफ्तों से फेस कर रहे हैं, तो इस तरह का ड्यूरेशन नहीं है, बट आपको सी क्राइटेरिया में इसका ऑनसेट मिलेगा।
तो इस तरह से अगर आप इन सारे डिसऑर्डर्स को देखेंगे न्यूरो डेवलपमेंट के, तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। क्राइटेरिया ए इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बता रहा है, क्राइटेरिया बी आपकी अडॉप्टिव फंक्शनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, क्राइटेरिया सी आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनसेट को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑनसेट क्या है इसका, और ऑनसेट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में सबका सेम है ड्यूरिंग द डिवेलपमेंटल पीरियड। सो जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं क्राइटेरिया सी सबका सेम है। इसके बाद आता है क्राइटेरिया डी। क्राइटेरिया डी में आपको ये बताया जाता है कि क्या ये वाला डिसऑर्डर किसी सोशल मेडिकल या न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर की वजह से तो नहीं है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से तो ये डिसऑर्डर नहीं हुआ, तो क्राइटेरिया सी बेसिकली डी उसको एक्सप्लेन करता है। सो इस तरह से अगर आप इनके क्राइटेरियाज को पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, क्राइटेरिया ए बी सी और डी। मैं आपको डी भी दिखाती हूँ कि डी में हमें किस तरह से ये नेक्स्ट किसी डिसऑर्डर में लाजमी होगा डी। ये देखें डी, यहाँ पे हमें एक में नजर आया ये डी है। देखें ऑनसेट सी में जो उसका ऑनसेट है वो क्या है, अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। सी में सेम वही चीज़ है, बी में आपको वही हमारी जो सोशल या अडॉप्टिव फंक्शनिंग है उसी के बारे में बताया हुआ। बार बार लफ्स नहीं आएगा अडॉप्टिव फंक्शनिंग का, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस का, इसके अंदर जो लिखा हुआ है इससे आपको पता लग जाएगा कि ये अडॉप्टिव फंक्शनिंग है जिसमें हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सोशल पार्टिसिपेशन है, एकेडमिक अचीवमेंट है, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी है, या फिर कोई भी इस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्राइटेरिया बी में है जिसको हम अडॉप्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर आप इसका ए क्राइटेरिया भी देखें तो इसमें उसकी अपनी स्किल्स हैं, उसकी अपनी फंक्शनिंग है कि वो बोल नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, उसको साइन लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो ये क्या है इसमें वोकैबुलरी जो है वो रिड्यूस है, वर्ड्स का नॉलेज नहीं है, वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है ये नहीं पता, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से रिलेटेड है क्राइटेरिया ए के अंदर। क्राइटेरिया बी मैंने आपको दिखाया कि क्राइटेरिया बी में अडॉप्टिव फंक्शनिंग है, क्राइटेरिया सी में ऑनसेट है, और क्राइटेरिया डी में क्या है कि ये जो भी है ये किसी भी कोई सेंसरी इंपेयरमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है, कोई डेवलपमेंटल डिले नहीं है, कोई मेडिकल या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। तो जितने भी आप इस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में जितने भी क्राइटेरिया डी होंगे वो सारे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये इन इन रीजंस की वजह से तो नहीं है, अगर इनकी वजह से नहीं है तो ऊपर वाले जो क्राइटेरियाज हैं उसमें उसको फुलफिल होना होगा कि वो उन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा हो, तभी हम कहेंगे उसको कौन सा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में हमने देखा कि हम इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हम इसको किस तरह से रीड करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या है, हमारी मेंटल रिटार्डेड होते हैं ये लोग, इसमें डेवलपमेंट जो होती है वो काफ़ी डिलेड होती है, मेंटल जैसे मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं ना हमारी वो थोड़ी डिलेड होती हैं, जैसे हम रीजनिंग नहीं दे पाते, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती, जजमेंट नहीं होती, एकेडमिक लर्निंग अच्छी नहीं होती। सो दीज डिलेज ट्रांसलेट इनटू एन इंपेयरमेंट ऑफ अडॉप्टिव फंक्शनिंग। सो ये जो डिलेज होते हैं ये हमारी अडॉप्टिव फंक्शनिंग को इंपेयर करते हैं, जिससे हम अपनी डेली लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते, हम अपनी सेल्फ की केयर नहीं कर पाते, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम कोई अच्छा ऑक्यूपेशन सेलेक्ट नहीं कर पाते उसकी वजह से। और अगर इसकी सेवेरिटी की बात करें तो ये माइल्ड से मॉडरेट सेवेयर या फिर प्रोफाउंड लेवल की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हम देखा कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये भी अर्ली चाइल्डहुड में इस डेवलपमेंट के दौरान इसकी मैनिफेस्टेशन होती है, और इसमें भी क्या है कि ये इटसेल्फ एक सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट होता है, इसमें वर्बल भी होता है नॉन वर्बल भी होता है, जिसमें इंडिविजुअल को सोशल क्यूज आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और वो खुद को दूसरों के साथ इंगेज भी नहीं कर पाता। इसके अलावा जो ASD होते हैं दे कैन आल्सो मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर्स। रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं उनको, मतलब अगर कह रहे नहीं करना नहीं करना नहीं करना तो वो इसको रिपीट करते जाएंगे, और रिस्ट्रिक्टिव भी होते हैं कि कह लो जो करना है मैं नहीं करने वाला। डिफ़िकल्टी कोपिंग विद चेंज, अगर उन्हें कुछ चेंज करने का कहा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वो अगर कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में भी उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसमें भी जो इसका स्पेक्ट्रम होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, और ये भी माइल्ड टू सीवियर इसकी रेंज होती है। DSM-4 में एक टर्म थी एस्पर्गर डिसऑर्डर, ये अब DSM-5 में फर्दर नहीं यूज़ की जा रही, जस्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है हमारे पास। ADHD हम सबको पता है कि ADHD ये बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और इम्पल्सिव भी होते हैं, और इसमें ये इनअटेंशन
और इम्पल्सिविटी तो इनमें काफ़ी ज़्यादा कूट कूट के भरी होती है. देन ADHD इंटरफेयर्स विद एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन एट होम. अब ये अगर इनसे कोई भी काम करने को कुछ कहा जाए, चाहे वो घर में कर रहे हैं, स्कूल में हैं, या कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, तो इनसे टिक के बैठ के वो काम होता नहीं है. इट मे समटाइम्स इंटरफेयर विद फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स एंड एट लीस्ट सम सिम्टम्स मस्ट हैव बीन प्रेजेंट बिफोर द एज ऑफ 12 फॉर डायग्नोसिस. इसमें से कुछ सिम्टम्स जो हैं वो 12 साल की उम्र से पहले इन बच्चों में आपको मिल जाते हैं. फिर हमने दूसरे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स देखे हैं कि उसमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, लैंग्वेज है, स्पीच है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, स्टटरिंग जिसको कह रहे हैं. फिर मोटर डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स हैं, कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपरली डिवेलप नहीं होती उनकी. स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स डिसऑर्डर्स हैं, टिक्स हैं, और दूसरे रीडिंग और लर्निंग से रिलेटेड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स. ये सारे हमारे पास क्या हैं? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. हाँ जी मरियम, नॉर्मल बिहेवियर को सबसे पहले साइकोएनालिटिक वालों ने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं जिसको बेसिकली साइकोलॉजिकल डेफिसिट का नाम दिया गया था या अबनॉर्मल कहा गया था. पहले भी होते थे, मतलब कि अगर कोई अबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो कोई बुरी रूह उसमें घुस गई है तो जिस कल में होल करके उसको निकाल दिया, तो सच साइकोलॉजी का उसमें कोई टर्म नहीं थी, टर्मिनोलॉजी नहीं थी, वो जस्ट एक स्पिरिचुअल फैक्ट था कि अगर आप होल करेंगे तो ये बैड स्पिरिट निकल जाएगी, तो पर्सन ठीक हो जाएगा, बंदे की चाहे जान चली जाए. ट्रिगरिंग आशा कह रही है ट्रिगरिंग प्रॉब्लम्स का पता होगा तो उस लिहाज से ट्रीट प्लान होगा. बिल्कुल, हमें ट्रिगरिंग प्रॉब्लम्स का पता होगा तो उस लिहाज से ट्रीट होगा और हम उसको रिलैप्स से बचा सकेंगे. ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं लेकिन हमें जब प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे, पेरेंट्स और सपोर्ट मेम्बर्स को नहीं बताएंगे कि कैसे आपने हेल्प आउट करना है, तो वो रिलैप्स हो सकते हैं. तो आप ही सारी मेहनत आया. बिल्कुल, थेरेपी भी फिर इसी लिहाज से यूज़ होती है. Yes, exactly. Freud was the one who insisted on medication for psychological ailments. Yes. I think आज यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं. काफ़ी आपने देखा है डिसऑर्डर्स कोडिंग कैसे करनी है, इसमें आपको मैंने थोड़ा काम भी दिया है कि आप एक दफ़ा उसको लाजमी सुन लें लेक्चर्स को. DS एबनॉर्मल साइकोलॉजी की एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर ऑलमोस्ट 4 लेक्चर होंगे आई थिंक. उनको एक दफ़ा ज़रूर सुन के और उसको चीज़ों को नोट डाउन कर लें. फिर मैंने क्राइटेरियाज कैसे पढ़े जाते हैं DSM में से वो मैंने आपको बताया है. अभी इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना ABC D क्राइटेरिया को लेके, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा क्लास के जो हमारे पास क्राइटेरियाज हैं DSM-5 में. तो कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट डिसऑर्डर्स इससे स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स. आज का मेन टॉपिक क्या था? आज का मेन टॉपिक था जी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. ये जो भी मैंने आपको 4 P's या 4 D's बताए ना, ये अगर आप इस DSM का अगर आप फर्स्ट चैप्टर ओपन करें तो ये सारी चीज़ें उसके फर्स्ट चैप्टर में लिखी हुई हैं. तो बेसिकली मैं आपको सारे डिसऑर्डर्स इसलिए नहीं करवा रही कि आप इसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लें, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी, 4 P's भी पता लग जाएंगे उसमें लिखे हुए हैं, और कोडिंग का बताएं कि कोडिंग किस तरह से रीड करनी है, DSM-5 के अब तक के कितने पब्लिकेशन इसकी वर्जन्स आ चुके हैं. DSM-5 TR का मतलब ये नहीं है कि ये 6ठा या 7वां मैनुअल है हमारे पास या वर्जन है, ये हमारे पास 9th वर्जन है DSM का. एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि DSM के अब तक कितने वर्जन आ चुके हैं, बच्चे ने आंसर दिया 6. तो बेसिकली तब 8 वर्जन आए हुए थे जब पूछा गया था, अब 9 हो गए हैं क्योंकि अब ये DSM-5 TR भी आ गया. और इसकी पब्लिकेशन डेट मैंने आपको बता रही है 18 मार्च 2022. बाकी सारी डेट्स जो हैं वो आपको वीडियोस में मिल जाएंगी, तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा वहाँ से. सो मेजर टॉपिक यही था कि डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल या मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 क्या है, इसके कितने वर्जन हैं, इसको रीड किस तरह से किया जाता है, मेंटल डिसऑर्डर्स की डेफिनेशंस क्या हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है, किन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और क्यों करते हैं, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स से, कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं और उनके क्राइटेरियाज को पढ़ना सीखा है कि उनके क्राइटेरियाज को किस तरह से पढ़ा और याद किया जाता है. DSM-5 TR और DSM-5 का मेजर कंपैरिजन
जो कंपैरिजन है ना वो DSM-5 और DSM-4 TR का है. DSM-4 TR और DSM-5 का जो कंपैरिजन है उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपने उसको सुनना है. ये भी आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया तो आपको नहीं पता. और जो DSM-5 TR है इसमें टेक्स्ट रिवाइज हुआ है, इसमें जो कोडिंग है वो सिर्फ ICD-9 के कोड्स को हटा दिया गया है और ICD-10 के कोड्स को जस्ट उसके साथ DSM-5 TR को मैच किया गया है. तो ये भी मैंने बताया कि वो कोड पहले कौन से थे जो हटा दिए गए हैं और जस्ट ICD-10 के कोड्स अब यहाँ पे आपको देखने में मिलेंगे. और चेंज ये हुआ है कि इसका जितना भी थ्रू आउट टेक्स्ट था वो थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, इसमें कुछ रेफरेंसेस ऐड हुए हैं और कुछ क्राइटेरियाज जो हैं उनको थोड़ी सी लैंग्वेज को मॉडिफाई किया गया है, और कोई मेजर चेंज नहीं. पहले ICD-10 को कंसीडर करते थे ऐसा ही है, लेकिन जो हमारे पास DSM-5 है अगर आप उसको खोल के देखें तो वहाँ पे आपको ICD-9 के भी कोड मिलते हैं. अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा. मैंने वहाँ पे ICD को साथ साथ खोल के दिखाया हुआ है कि ये ICD है और ये यहाँ का कोड है. ठीक है, ओके, दैट्स गुड. अगर ICD को भी साथ साथ पढ़ाया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको कोड्स का भी पता होगा कि ये कोड्स क्या होते हैं. बाकी फर्दर जो चेंज है वो मैंने बताया कि वो ICD-9 के 10 जो कोर्स इसमें लिखे हुए थे ना उसको हटा दिया. यूज़ हम 10 ही कर रहे थे लेकिन 9 के कोर्स अब एक्स्ट्रा थे, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, तो वो हटा दिए DSM-5 TR से. बाकी 4 में और 5 में क्या फ़र्क है वो सारे डिफरेंसेस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिए. ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल दोबारा हम इसी टाइम 10 बजे दोबारा स्टार्ट करेंगे. पिछला हम रिपीट नहीं करेंगे, शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम से हम आगे के डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिसऑर्डर्स कवर हो जाए. हाँ जी, यूट्यूब पे अपलोडेड हैं और उसमें एक प्लेलिस्ट होगी एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से, उसमें है. क्योंकि ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी पे वर्क कर रही थी कि मैं इसमें पूरे DSM को वहाँ पे बताऊँगी कि ये क्या है और कैसे किया जाता है, लेकिन वो फिर अंदर ही रह गया. तो आफ्टर द कोर्स आई विल कंटिन्यू दैट एबनॉर्मल साइकोलॉजी. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा.